स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू यू इन DSS ऑनलाइन क्लासेस. माई सेल्फ सरोज श्रीवास्तव एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर 21 फूड एंड फन. स्टूडेंट्स, आफ्टर मीटिंग देयर फ्रेंड्स ऑल चिल्ड्रेन गो टू द गुरुद्वारा. एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रेन चैटेड ऑल द वे टू द गुरुद्वारा. दे कवर्ड देयर हेड. सारे बच्चे अपने फ्रेंड्स से मिलने के बाद, गुरनीत और उसके जो फ्रेंड्स थे वो सभी गुरुद्वारा गए. वहाँ पे उन्होंने अपने हेड को कवर किया. दे वेंट इन टू किचन ऑफ द गुरुद्वारा. और सीधे वो कहाँ गए? गुरुद्वारा के किचन में. इट वॉज़ वेरी गुड. ए लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर. फूड वॉज बींग कुकड इन हुग वेसल्स ऑन वन साइड. द चना एंड उरद दाल वाज बॉयलिंग. वहाँ पे उन्होंने देखा कि वो जो किचन था गुरुद्वारे का वो बहुत बड़ा था और वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी, मतलब बहुत सारे चीज़ें एक साथ हो रही थी. जो फूड था वो बड़े से बर्तन में पकाया जा रहा था. एक तरफ चने और उरद की दाल को बॉयलिंग की जा रही थी. स्टूडेंट्स, गुरुद्वारा वह प्लेस होता है. गुरुद्वारा इज़ ए रिलीजियस प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप ऑफ सिख पीपल. गुरुद्वारा वह प्लेस होता है जहाँ पे सिख धर्म के लोग वर्शिप करने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं. जैसे आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं वैसे वो गुरुद्वारा में प्रे करने जाते हैं. वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब रखा होता है और उसका वो वहाँ पे पाठ करते हैं. मेन एंड वुमेन चिल्ड्रेन कवर देयर हेड व्हेन एंटरिंग ए गुरुद्वारा. जब भी आप गुरुद्वारे में जाते हो तो वो वहाँ पे, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, या स्त्री हो या पुरुष हो, सभी अपने सर को कवर्ड किए होते हैं. आप लोगों ने देखा होगा. इन अदर वेसल द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बींग मेड. देर इज योर पापा गुरनूर. लेट अस गो एंड मीट हिम. स्वास्तिक आस. वहाँ पे स्वास्तिक ने देखा कि एक तरफ जो है अदर दूसरे बर्तन में कॉलीफ्लावर और पोटैटो की जो सब्जी थी वो बन रही थी. तो उसने कहा कि वहाँ पे उसने गुरनूर के पापा को देख, स्वास्तिक ने कहा कि गुरनूर वो देखो तुम्हारे पापा. व्हाट आर यू डूइंग हियर. मनजीत सिंह वाज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रेन. उसने स्वास्तिक ने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं. और जो मनजीत सिंह थे उन बच्चों को देख करके गुरनूर के जो फादर थे वो बहुत ही खुश हुए. अंकल कैन यू ऑल्सो हेल्प इन द किचन. बच्चों ने कहा कि अंकल क्या हम आपके साथ किचन में हेल्प कर सकते हैं. व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग. स्वास्तिक ने पूछा कि अंकल आप क्या कर रहे हैं. मंजीत सिंह सेड आई एम प्रिपेयरिंग काढ़ा प्रसाद. इट टेक ए लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लोर इन घी इन दिस बिग कड़ाही. दिस इज ए काइंड ऑफ हलवा इजेंट इट. व्हेन विल यू एड शुगर इन इट. दिव्या आस. मंजीत सिंह ने कहा कि यह एक काढ़ा प्रसाद है. काढ़ा प्रसाद जो है वो प्रसाद होता है. जैसे आप देखते हैं किसी भी पूजा या पाठ के बाद आपके काढ़ा प्रसाद देते हैं. काढ़ा प्रसाद इज ए मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर घी एंड शुगर एंड इज ए रिलीजियस ऑफरिंग. वह उनके यहाँ जब वर्शिप हो जाती है ना, वहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करने के बाद वहाँ पर काढ़ा प्रसाद सबको दिया जाता है. दे सा मनप्रीत एंड मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर. उन्होंने मनप्रीत की माँ को भी वहाँ देखा और उनके पास वह मिलने गए. दिव्या आस. दिव्या ने उनसे पूछा व्हाट आर यू डूइंग आंटी. आंटी आप क्या कर रही हैं. उन्होंने रिप्लाई दिया बेटा वी आर रोलिंग चपाती टू बेक देम इन दिस तंदूर. उन्होंने कहा कि बेटा हम लोग चपाती रोल कर रहे हैं, चपाती को बेल रहे हैं, रोटियों को बेल रहे हैं जो कि इस तंदूर में सेका जाएगा. तंदूर क्या होता है बच्चों. तंदूर इज ए सिलेंडर सिलेंड्रिकल क्ले ओवन टू कुक क्रिपी ओवर चारकोल फायर. उसमें जो कोयले की आग में जो है ये रोटियां सेकी जाती हैं. सो मेनी चपाती एट वन गो.
दिव्या वाज सरप्राइज। वहाँ पे तो दिव्या ने देखा कि तंदूर में बहुत सारी चपातियाँ एक साथ सेकी जा रही थी। कैन आई हेल्प, उसने पूछा दिव्या ने कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। दिव्या वाज श्योर, कम एंड ट्राई, उसकी माँ ने कहा मनप्रीत ने, हाँ सही और आओ। हियर एवरी वन कैन हेल्प, सब लोग यहाँ पे आके हेल्प कर सकते हैं। बट वाश योर हैंड फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। आंटी ने कहा कि लेकिन पहले क्या करना होगा, आपको अपने हैंड को वाश करना होगा। दिव्या वाश हर हैंड एंड ज्वाइंट द ग्रुप नियर द तवा। दिव्या ने अपने हैंड को वाश किया और वहाँ पर जाकर तवा के पास उन्होंने उनके ग्रुप को ज्वाइन किया। द तवा इज वेरी हॉट, जहाँ पे तवा जो क्या था, जिस पे वो तंदूर के पास जो रोटियाँ सेकी जा रही थी, वो क्या था, तवा जो बहुत ही गर्म था। सी स्टार्टिंग अप्लाइंग घी ऑन द चपाती एज दे आर बिंग टेकन आउट ऑफ द तवा। जब वो उन चपातियों पे घी लगाना शुरू की जो कि तवे से निकाली जा रही थी। स्वास्तिक वंडर्ड अलाउड हु ब्रिंग ऑल द मटेरियल टू कुक सो मच फूड। स्वास्तिक उसने पूछा कि इतने सारे मटेरियल कौन लगता है इतने ज़्यादा खाने को बनाने के लिए। वन ऑफ द लेडीज़ आंसर्ड, उसमें से एक लेडीज़ ने, वहाँ पे आपने देखा होगा गुरुद्वारे में बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे बहुत जो मटेरियल खाना बनता है, उसने आप लेडीज़ ने रिप्लाई दिया कि ये इसमें एवरी वन हेयर कंट्रीब्यूटेज इन सम वे आर दे अदर। कई तरीक़े से लोग इसमें कंट्रीब्यूट, कोई बनी देता है, कोई अपने से अपने लेबर करके अपने हाथों से यूटेंसिल वगैरह धो करके या सफाई वगैरह करके या खाना बना करके इस तरह की सर्विस दे करके लोग वहाँ पे हर तरह से वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करते हैं। अब वहाँ पे जो खाना खाते हैं उसको क्या कहते हैं, लंगर कहते हैं। लंगर क्या होता है, कुकिंग एंड ईटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ बनाना और खाना। इट इज़ ए कम्युनली फ्री किचन फॉर ऑल दीज हु विजिट द गुरुद्वारा। यह एक कम्युनिटी किचन होता है जहाँ पे सभी लोग जो भी बिना जात पात के जो भी उस गुरुद्वारे में आते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं वो खाते हैं एक साथ एक जगह पे बैठ करके। सो स्वास्तिक, हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक्ड बिफोर। तीज मनप्रीत, मनप्रीत ने कहा कि स्वास्तिक तुमको कैसा कैसा लगा यहाँ पे, क्या तुमने इसके पहले कहीं मतलब खाना पकाया था। नो बट आई एम एंजॉय वर्किंग विथ एवरी वन, उन सभी लोगों ने कहा कि हम लोग एक साथ यहाँ काम करके बहुत ही एंजॉय किए। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल द दिस फूड चपाती राइस हलवा दाल एंड वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फार। तो कह के यहाँ पे आके हमको ये पता चला कि कैसे ये सारे इतने सारे चपातियाँ हलवा राइस ये सारी चीज़ें कैसे इतनी जल्दी बन जाते हैं। आफ्टर अरदास काढ़ा प्रसाद वार डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अरदास क्या होता है, अरदास इज अ सेट ऑफ प्रेयर इन सिख। अरदास जो है जैसे आप पूजा करने जाते हैं वैसे ही वहाँ पर प्रेयर होता है, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और उसको वहाँ पर वो लोग गुरुद्वारे में जा करके सिख धर्म के लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ जिसको अरदास कहते हैं। अरदास के बाद काढ़ा प्रसाद जो हलवा होता है एक तरह का उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सम ऑफ द बॉयज क्विकली लेड आउट द री इन द बरामदा एंड ऑल द पीपुल सेट डाउन इन रो हैव लंगर। वहाँ पे कुछ बॉयज जो हैं क्या किए, तुरंत ही अरदास के बाद दरी को बरामदे में डाल दिया, उस पर लोगों ने बैठ करके रूम में लंगर खाना शुरू किया। सम पीपुल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, कुछ लोग खाने को सर्व करने लगे और कुछ लोग पानी को। एवरी वन एट टुगेदर, सभी लोग एक साथ खाने लगे। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरी वन पिक्ड अप वंस ओन प्लेट, सभी लोग खाने के बाद अपने प्लेट को खुद ही उठाए एंड पुट इन ए बिग ड्रम और उसको एक बड़े से ड्रम में डाल दिए। पीपुल हु वर सर्विंग एट इन द एंड, और जो लोग खाना सर्व कर रहे थे वो सबसे लास्ट में खाना। दे क्लीन द प्लेट एंड वॉश द यूटेंसिल, उन्होंने वे सारे बर्तन अपने जो थे उनको वॉश किया और जो जगह थी उसको भी सफाई किया। इस तरह से आपने देखा कि गुरुद्वारे में क्या क्या एक्टिविटी हुई और कैसे लोग वहाँ जा करके लंगर खाते हैं, अरदास करते हैं और
कम्युनिटी किचन, एक साथ बिना भेदभाव के लंगर एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने इस पढ़ा गुरुद्वारे में।